जो है उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। कंगना रनौत ने भी बोला है 2014 में जो नहीं रखते क्यों इत्तेफाक नहीं रखते हैं हमारी जो आजादी मिली है 1947 में मिली है उनका ये एक तरीके से बेइज्जती करना माना जाएगा। कौन थे उसके? सोनू सूद भी अच्छे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अमित के दिए हुए बयान का, जो कंगना रनौत जी ने कहा कि दो हजार असल आजादी जो हिंदुस्तान को मिली 2014 में मिली और 1947 वाली आज़ादी को उन्होंने इनकार कर दिया, नकार दिया कि वो गुलामी वाली आज़ादी थी। जो हिंदुस्तान को आज़ादी जो मिली वो 2014 में असल आज़ादी मिली। तो दोस्तों अब हम कहना चाहते हैं, हम बात सुनना चाहते हैं, हम ये बात रखना चाहते हैं अपने दोस्तों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बताना चाहते हैं, क्या आज तक जो हमने पढ़ा, हमने अपने पाठ्यक्रम में, अपने तालीम में, अपने कोर्स में जो पढ़ा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, क्या हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को भूल सकते हैं? या फिर यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम में जो रिजल्ट वो आते, क्वेश्चन आता है या कब आज़ाद हुआ, तो क्या जवाब देंगे? 2014 में देंगे? क्या हमारा संविधान कब लागू हुआ, क्या हम 2014 में उसका जवाब देंगे? तो दोस्तों ऐसे बहुत से सवाल पूरे हिंदुस्तान में लोग उठा रहे हैं, क्या कंगना रनौत की बात ये सही है, जायज़ है कि असल आज़ादी जो मिली हिंदुस्तान को 2014 में मिली? तो दोस्तों आइए हम पूछते हैं लोगों से, इसका सर्वे करते हैं, लोगों से पूछना चाहते हैं, लोगों की राय रखना चाहते हैं, लोगों के ओपिनियन पोल करना चाहते हैं कि आखिर क्या हिंदुस्तान को आज़ादी 2014 में मिली या असल आज़ादी हमको 1947 में मिली? तो दोस्तों 1947 वाली आज़ादी को भुला दिया गया, उसमें जितने हिंदुस्तान के लोगों ने खून बहाया, उसके लिए जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके लिए नेहरू जी का, उसके लिए अशफाक उल्लाह खां का, उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, भगत सिंह जैसे लोगों का खून जो इसमें लगा, इस आज़ादी को सींचने में लगा, आज़ादी को पाने में लगा, उसको भुला दिया गया, उसको इनकार कर दिया गया। तो दोस्तों क्या इस बात से आप सहमत हो, क्या इस बात से आप राजी हो कि कंगना रनौत जी ने जो चाटुकारता करते 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 उन्होंने जो अपना राय रखी कि असल हिंदुस्तान को आज़ादी जो मिली 2014 में मिली, क्या इस बात से आप सहमत है? आइए हम अपने दोस्तों से पूछते हैं। और मास्टर कमाल साहब को आप सभी जानते होंगे, इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं के। मास्टर कमाल साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि कंगना रनौत जी ने जो कहा है अभी कि असल आज़ादी हमें 2014 में मिली, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कंगना रनौत का जो ये स्टेटमेंट है कि आज़ादी हमें 2014 में मिली, ये उनकी तरफ का भी उनका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिली है। और इस आज़ादी में हमारे जो बेचारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उन इसमें जान दी है, तो उनकी जो शहीद हुए हैं उनका ये एक तरीके से बेइज्जती करना माना जाएगा, लेकिन उनका अपना अपना एक निजी वक्तव्य है और उनका अपना एक कहना है। तो मेरे लिहाज से इस मामले में मुझे ये सोचना पड़ रहा है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो उनका ये वक्तव्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कमल साहब हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने, राष्ट्रपति साहब ने और प्रधानमंत्री साहब ने अभी उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है, तो इस पद्मश्री अवार्ड के बाद उस ये कहना कि असल आज़ादी हमें 1947 में नहीं 2014 में मिली, तो इस बारे में बताएं आप। पद्मश्री का जो पुरस्कार मिला है ये सरकार का अपना निजी फैसला हो सकता है या उनके कारनामों को देख के दिया हो, किस बात से खुश होकर उन्हें ये अवार्ड मिला है, तो ये तो अब सरकारी ज़्यादा जानती है, लेकिन एक इतना बड़ा सम्मान पाने के बाद इस तरह का वक्तव्य देना और कथन कहना मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं। लेकिन मेरा मानना, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कमाल सर आपसे कि पद्मश्री का असल जो मिलना चाहिए था, पद्मश्री अवार्ड जो मिलना चाहिए था, सोनू सूद को मिलना चाहिए था या फिर कंगना रनौत को मिलना चाहिए था? भाई असल हकदार कौन थे उसके? सोनू सूद भी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने किस बेस पे दिया है, ये गवर्नमेंट को समझ के ही देती है अवार्ड। अब उनका अपना जैसा मामला, उन्होंने वो अवार्ड कंगना जी को दिया सोनू सूद के मुकाबले में।
और बहुत बहुत शुक्रिया कमाल सर आपके साथ आपको हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत, थैंक यू सर। दोस्तों अब हम आए हुए हैं रहमानी क्लिनिक, इफ्तिकार रहमानी से बात करते हैं। इफ्तिकार रहमानी, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आजकल जो बात चल रही है कंगना रनौत जी का जो बयान था, उन्होंने क्वेश्चन उठाया जो 2014 में आज़ादी जो मिली है वो वाकई आज़ादी है, और 1947 वाली आज़ादी को उन्होंने फेक आज़ादी कह दिया, गुलामी वाली आज़ादी कह दिया है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो कंगना रनौत ने जो बोला है कि भाई हमें 2014 में असली आज़ादी मिली है, उनका कहने का जो मकसद था और जो उनका कहने का जो मेन पर्पस था, लोग जो है उस तक पहुंच नहीं पाए हैं। अभी कंगना रनौत ने जो बोला है 2014 में जो आज़ादी मिली है, वो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तो लोगों को जो है डेवलपमेंट की तरफ जो है लोग गए हैं, और लोगों को जो है अपना जो फ्यूचर है वो बिल्कुल फ्यूचर अच्छा फ्यूचर लगा है। तो इसलिए उन लोगों ने जो है ये बोला है कि असल आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली। उन्होंने 1947 की आज़ादी को फेक आज़ादी नहीं कहा, ये कब कहा कि 1947 की जो है फेक आज़ादी है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ भी उठता है, पद्मश्री मिलने के बाद, असल में पद्मश्री के जो अवार्ड से नवाजा गया उनको, लेकिन उनको आवाज़ से पद्मश्री अवार्ड से नवाजने के लिए हम चाहते हैं कि सोनू सूद बेस्ट थे या फिर कंगना रनौत बेस्ट थी? देखो ये जो चीज़ है कि पद्मश्री किसे दिया जाए, ये ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तय करती है, वो नाम भेजती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो है वो अवार्ड देते हैं, इसमें ना हम कुछ करते हैं ना आप कुछ करते हैं। हाँ ये जो इंडस्ट्री का मामला है, पद्मश्री इंडस्ट्री में जो कंगना रनौत को दिया गया है, ये इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि कौन जो है बेस्ट चॉइस था पद्मश्री। लेकिन वो भी कंगना रनौत को कौन जानता था, वो भी भाजपा की चाटुकार तक लोग बोल रहे हैं, बोले भाजपा की चाटुकार तक करते करते उनको पद्मश्री दिया गया, इसके बारे में इसकी ख्याल बताइए अपना। हाँ इसीलिए तो उन्होंने बोला कि असल आज़ादी 2014 के बाद मिली है। तो हम मानते हैं कि भाजपा की चाटुकारी करते करते उनको पद्मश्री दिया गया। हाँ हाँ वो तो उसमें तो कोई दोहराए नहीं है भाई, उनका कहने का मेन मकसद ही है, मेन पर्पज ही है कि भाई 2014 के बाद ही असल आज़ादी मिली, जब बीजेपी जो है सेंट्रल में आई, मोदी मिस्टर नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उन्होंने जो है एज अ बीजेपी स्पोक पर्सन जो है काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिकार रहमानी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब हम बात करते हैं मोहम्मद वसीम से। हाँ वसीम साहब बताइए, कंगना रनौत का जो बयान चल रहा है इस वक्त कि 2014 में हमें असल आज़ादी मिली और 1947 वाली आज़ादी को उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, तो इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों इत्तेफाक नहीं रखते? हाँ हमारी जो आज़ादी मिली है 1947 में मिली है। तो 1947 वाली आज़ादी बेस्ट थी या 2014 वाली आज़ादी बेस्ट थी? 1947 वाली बेस्ट थी। क्यों बेस्ट है? उसमें जय क्रांतिकारी, इसमें 2014 वाली में तो कोई क्रांतिकारी नहीं था। 1947 में जो था उसमें ही क्रांतिकारी थे, इसमें कौन क्रांतिकारी है? चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अब हम दो, एक तो पत्रकार, एक एडवोकेट हैं मोहम्मद समून और एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन अभी अभी एक स्टेटमेंट आया पद्मश्री से नवाजा गया कंगना रनौत मैडम को, तो उन्होंने कहा है कि असल आज़ादी जो मिली थी हिंदुस्तान को 2014 में मिली थी, और 1947 वाली आज़ादी को उन्होंने नकार दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं एडवोकेट समून? इसके बारे में यह है कि उन्होंने जिस तरह अपने लफ्ज़ों में बयान किया है हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, और लोग इस पर बहुत सारी आपत्ति भी उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रियल में तो हमारे हिंदुस्तान जो 1947 को आज़ाद हुआ था, ये एक्टर्स अपनी अपनी राय रखते हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से राय गलत ही रखी है, और वैसे मेरे ख्याल से तो इन्होंने ये चीज़ गलत कही है जो भी कही है। लेकिन अगर अगर देखा जाए तो सोनू सूद ने हिंदुस्तान की कोरोना के टाइम में काफ़ी मदद की, लेकिन पद्मश्री के अवार्ड के लिए अगर बॉलीवुड से दिया जाता तो सोनू सूद आपके लिए बेस्ट थे या कंगना रनौत बेस्ट थी? नहीं, सोनू सूद वैसे एक्ट्रेस के बेस पर देखा जाए तो सोनू सूद मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं, इंसानियत के नाते तो बहुत अच्छे हैं। आप बताइए भाई के देखो जो हमारा देश आज़ाद हुआ है तो 1947 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ है। जी जी। इसमें कवि स्वतंत्र सेनानी और हमारे देश के बड़े उलामा ने भी इसमें वो की है, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो 1947 15 अगस्त को ही हुआ था, और ये
कंगना रावत जी जो कह रही है कि आज उनसे कंगना रावत जी जो बता रही हैं कि हमारा देश 2014 को आज़ाद हुआ है, ये कोई याद नहीं है। सब जो एक्ट्रेस है ना, ये सब अपने अपने अलग गलत वो दे रहे हैं, गलत राय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका, इस्तकबाल आपका, ठीक है।